प्रेरणा कथा। खुदा किधर नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी देश विदेश में घूम घूम कर लोगों में ज्ञान की ज्योति जलाते थे। उन्होंने चलकर ही हजारों मील की यात्राएं की थी। उनकी इन यात्राओं का पंजाबी धर्म ग्रंथों और इतिहास में बहुत ही विस्तृत वर्णन है। एक बार इसी तरह अपनी यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव जी पहुंच गए मक्का शरीफ। क्योंकि उस समय रात हो चुकी थी, नानक साहब शहर के बाहर ही एक पेड़ के नीचे सो गए। अगली सुबह जब गुरु साहब की नींद खुली, उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ बहुत से मुल्ला उनको घेरे खड़े थे। एक मुल्ला ने बहुत ही गुस्से से कहा, तुम कौन हो? तुम कैसे खुदा के घर की तरफ अपने पैर करके सो रहे हो? वास्तव में जिस तरफ नानक साहब के पैर थे उस तरफ काबा शरीफ था। नानक जी ने बहुत ही विनम्रता से कहा, मैं तो एक मुसाफिर हूँ और मुझसे गलती हो गई है। ऐसा कीजिए कि जिस तरफ खुदा का घर ना हो उस तरफ मेरे पैर घुमा दीजिए। एक मुल्ला ने गुस्से में नानक साहब के पैर पकड़कर उनको काबा शरीफ के विपरीत दिशा में घुमा दिया। सभी लोग हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि काबा तो उसी तरफ था जिस तरफ उन्होंने नानक साहब के पैर घुमा दिए थे। मुल्ला को बहुत गुस्सा आया और उसने फिर से नानक साहब के पैर तीसरी दिशा में घुमा दिए, परंतु उनको काबा शरीफ उसी दिशा में दिखा जिस तरफ पैर थे। सब मुल्ला सोचने लगे कि नानक शायद कोई जादूगर थे। वो नानक साहब को पकड़कर काजी के पास ले गए। उन्होंने पूरी कहानी काजी साहब को सुना दी। काजी साहब ने पूछा, तुम कौन हो, हिंदू या मुसलमान? नानक साहब ने कहा, मैं तो पांच तत्वों का एक पुतला हूं। काजी ने फिर से कहा, ये तुम्हारे हाथ में किताब कैसी है? नानक साहब ने कहा, ये किताब मेरा भोजन है, इसको पढ़ने से मेरी भूख शांत हो जाती है। काजी ने समझ लिया कि नानक साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो जान गए थे कि नानक साहब कोई सिद्ध महात्मा थे। काजी साहब ने उनको बहुत ही सम्मान से एक तख्त पर बैठाया और उनकी सेवा शुरू कर दी। मित्रों, नानक साहब इस घटना के माध्यम से दुनिया को ये बताना चाहते थे कि प्रभु निराकार हैं और कण कण में हर दिशा में विद्यमान है। वो दूध में मक्खन की तरह विद्यमान है। प्रभु को किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर में ढूंढना ठीक नहीं है। खुदा तो हर दिशा में विद्यमान है। और जो लोग ये कहते हैं कि खुदा किसी विशेष दिशा में है, तो वो लोग भ्रम फैला रहे हैं। एक वस्तु जो उत्तर दिशा में है, तो वही वस्तु दूसरी तरफ से देखने पर दक्षिण दिशा में हो जाती है। जितने भी धार्मिक पवित्र स्थान हैं वो सभी मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं और सिर्फ भगवान की आराधना करने के आधार ही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु मनुष्य के द्वारा बने किसी धार्मिक स्थान में है। धार्मिक स्थान में पवित्र ग्रंथों का पठन पाठन और अध्ययन हो सकता है, परंतु भगवान के निवास स्थान तो मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थान हो ही नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।